हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन की गति विषयक नियम। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं वो कहाँ के थे। न्यूटन जो है इंग्लैंड के महान दार्शनिक व गणितज्ञ थे और ये आजीवन अविवाहित थे। इनका जन्म जो है 4 जनवरी 1643 को हुआ था और इनका मृत्यु 31 मार्च 1727 को। इनके पिता का नाम रॉबर्ट न्यूटन था, ठीक है, और इनके कुत्ते का नाम डायमंड था और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसपिया। इसी प्रिंसपिया पुस्तक में इन्होंने 1687 में प्रिंसपिया नामक पुस्तक में गति के तीनों नियमों का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि गति के तीनों नियमों का प्रकाशन न्यूटन ने कब किया, तो 1687 में प्रिंसपिया पुस्तक में। ठीक है, तो इन्होंने तीन गति के नियम बताए हैं जो इस वीडियो में बताऊंगी और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि शुरू से लास्ट तक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जानते हैं न्यूटन के सबसे पहले प्रथम नियम के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं गति के, तीन नियम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो प्रथम नियम को क्या नाम था उनका, उनके प्रथम नियम का क्या नाम था, जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम। यानी प्रथम नियम को इतने नामों से जाना जाता है और इन इतने नामों में से किसी भी नाम को पकड़ करके ये क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो किसी भी नाम को यदि वो नाम से क्वेश्चन बनाता है तो आपको याद रखना कितना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए प्रथम नियम को किन किन नामों से जाना जाता है उसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं पूछेगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया, जड़ता का नियम किसने दिया, वो पूछ दिया साधारण सी कि अकर्मण्यता का नियम किसका है। ठीक है, जब आप जानते रहेंगे तभी तो लिखेंगे, तभी तो बताएंगे। लॉ ऑफ इनर्सिया का नियम किसी किसका है और किस नियम के अंतर्गत आता है प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। एंड गैलीलियो का नियम, इसको गैलीलियो का भी नियम बोला जाता है क्योंकि न्यूटन से पहले गैलीलियो ने इस नियम को प्रतिपादित किया था, जड़त्व के नियम को। अब बाद में इस जड़त्व के नियम को बहुत अच्छे से अच्छे स्वरूप में इन्होंने न्यूटन ने प्रतिपादित किया, इसलिए इस प्रथम नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब तो हम जानिए कि प्रथम नियम को कहते क्या है, किन के नामों से प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कि आखिर में जड़त्व का नियम है क्या, इन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहला बात कि जड़त्व, जड़त्व का मतलब होता है कि जड़ रूप, यानी न वो हिले न डुले, जैसा जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इसमें दो बल कार्य करते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, दो रूप से प्रतिपादित हो सकता है। ठीक है, विराम अवस्था, विराम का जड़त्व का मतलब कि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति का जड़त्व मतलब गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं बल के बारे में बताई कि बल कितने प्रकार का होता है, तो बल आंतरिक और बाह्य दो प्रकार का होता है। तो किसी वस्तु गतिमान है या कोई वस्तु स्थिर है, जड़ अवस्था में है, तो उसको गतिमान करने के लिए, अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ता है।
वाह बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिरोध बल, हवा का दबाव, ठीक है, घर्षण बल, ये सब वाह बल में आते हैं। तो ये सब बल लगाने से वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इस प्रथम नियम के कहने का यही तात्पर्य है कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? कि जब तक उस पर कोई वाह बल नहीं लगाएंगे तब तक वह इसी दिशा में हमेशा के लिए रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि इसमें उदाहरण है हमारे खेलों में जो आ सकते हैं, जैसे कि नाव खेलना जिसको रोइंग भी कहते हैं, स्प्रिंट दौड़ों में स्टार्ट लेना। स्प्रिंट दौड़ों का मतलब होता है छोटी दौड़े, ठीक है, जैसे 100, 200, 400 स्प्रिंट दौड़ों में आते हैं, ठीक है। और रोमन रिंग का प्रारंभ, हैमर थ्रो का प्रारंभ, कुश्ती की विरोधी को ऊपर उठाना, एक प्रथम नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने अब समझ गया होगा कि जड़त्व का नियम यानी न्यूटन के प्रथम नियम किसे कहते हैं, बस इतना जानिएगा कि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। मान लीजिए यदि कोई फुटबॉल का गेंद है, बॉल है, उसको आप कहीं रखे हैं, वो वहीं पर रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप उसको उठा के कहीं ले जाएंगे नहीं। या कोई हवा का दबाव, या हवा, या कोई बाहरी बल जो प्रतिरोध, घर्षण, ये सब अपना प्रभाव न डाल करके उसको गति में परिवर्तित न कर दे, तब तक वो वहीं पर रहेगी। बस जाहिर सी बात है, बस इतना ही समझना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये गति का प्रथम नियम आपको, मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यानी दूसरा नियम है न्यूटन के, गति के दूसरा नियम है संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल प्रतिफल का नियम। तो दूसरे नियम को इतने नामों से जाना जाता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस नियम को किस किस नामों से जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे अंदर से ना पूछ करके यहीं से पूछ देता है नाम से ही, कि जैसे कि लॉ ऑफ मोमेंटम गति के किस नियम को कहा जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि संवेग का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम या त्वरण का नियम, तो कहते किसे हैं इसे, तो किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरे नियम जो है वो प्रथम नियम पर ही आधारित है, बस थोड़ा सा चेंज है कि वो गति है तो गति अवस्था में, विराम है तो विराम अवस्था में, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वेग परिवर्तन की दर को, जब कोई क्रिया कर रही है वस्तु तो उस समय उसके वेग में कैसे परिवर्तन, कितनी गति से कम या ज्यादा में हो रहा है, उसके दर को इसमें समझा जाता है त्वरण के नियम में। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी दूसरी भाषा में कि किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रही है, उस रास्ते में जाते जाते उसके संवेग में क्या परिवर्तन हुआ, यानी उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या प्रतिफल हो रहा है, इसी कम या ज्यादा संवेग होने के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहलाता है। यानी इस प्रकार से कि जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है, यानी गति उत्पन्न होता है, ठीक है। और यह नियम जो है गति का है, दूसरा नियम त्वरण का नियम जो है, लगाए गए बल और द्रव्यमान एंड त्वरण, इन तीन बातों, इन तीन चीजों के मध्य आपसी संबंध को बताता है। संवेग का नियम या त्वरण का नियम किन किन चीजों के मध्य आपसी संबंध का बताता है, लगाए गए बल के, द्रव्यमान के और त्वरण के, इन तीनों के मध्य क्या अंतर है, क्या संबंध है दोनों तीनों का, चलिए जानते हैं। तो किसी वस्तु का त्वरण जो है बल और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, इसको जानना है। किसी वस्तु का त्वरण प्रथम संबंध क्या है उसका, कि किसी वस्तु का त्वरण वाह बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
अद्वितीय संबंध जो तरल होता है द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रथम संबंध जो है वायु बल की अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब दोनों साथ में, यदि बल बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, ठीक है, संवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी दोनों का समता का नियम है, समता का ये है। तो बल के अनुक्रमानुपाती का अर्थ है कि यदि किसी गेंद को 20 मीटर की दूरी पर फेंकना है तो क्या होगा, गेंद को उतने बल से फेंकेंगे कि वह गेंद 20 मीटर की दूरी पर दूरी को तय कर ले, ठीक है। एंड इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि गेंद को 100 मीटर फेंकना है तो त्वरण के अनुपात में बल को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। 100 मीटर फेंकना है कितनी रफ्तार से जाएगा, ये तो त्वरण हो गया, और कितना बल हमको लगाना है, तो जब यह जो बल है त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना त्वरण लगेगा उतना ही बल लगेगा, दोनों समान समान लगेगा, ठीक है। एंड दूसरा संबंध है त्वरण के, त्वरण जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी विपरीत संबंध होता है। जैसे कि त्वरण और बल का समान संबंध होता है, उसके घटने पर भी घटता है, उसके बढ़ने पर भी घटता है, लेकिन द्रव्यमान और त्वरण का विपरीत संबंध है। यदि द्रव्यमान यानी भार बढ़ेगा तो संवेग कम होगा, यदि भार घटेगा तो संवेग क्या होगा, बढ़ेगा, यानी विपरीत संबंध है, ठीक है। इस प्रकार त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड इसके उदाहरण हैं त्वरण के नियम के, जैसे कि रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षेपित करना और कुएं से पानी खींचने पर रस्सी के टूट जाना। तो दोस्तों था गति के दूसरा नियम। आई होप कि इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है गति का तीसरा नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, काउंटर फोर्स लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन, इन नामों से तीसरे नियम को जाना जाता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसका नियम यह बताता है कि यदि किसी वस्तु, यदि जब आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे, ठीक है, उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम दीवार पर गेंद को मारते हैं, जितने तेज से हम गेंद को दीवार पर मारेंगे उतने ही तेज से, उतने ही बल के साथ वह दोबारा मेरे पास वापस भी आएगी, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। जब हम गेंद को दीवार पे मारते हैं यानी पहला बल का प्रयोग करते हैं तो एक्शन होता है, एंड जब वो दीवार पे से होकर मेरे तरफ वापस आएगा यानी दूसरा बल, उसको प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन बल कहेंगे, ठीक है। जितना हम वस्तु पर फोर्स लगाएंगे यानी गेंद को मारते समय जितना हम बल लगाएंगे वो गेंद भी वापस मेरी तरफ उतना ही बल के साथ आएगा, इसी को कहते हैं क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। जितना हमारा क्रिया होगा जितने बल के साथ, प्रतिक्रिया भी उतने ही बल के साथ होगा। तो इसके उदाहरण है तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, ठीक है। तैराक क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ खींचता है, ठीक है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। पीछे की तरफ जितने बल के साथ खींचते हैं हम आगे उतना ही बढ़ते हैं। इसी तरह पैदल चाल, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंद का ड्रिबलिंग करना, बाल को दीवार पर फेंकना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नया सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये था न्यूटन के गति के तीन नियमों के बारे में, जिसमें मैंने एकदम फैक्ट पॉइंट बताया है, ज्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है उसी चीज को इसमें ऐड की हूँ। आई होप कि आपको न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में, यानी पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो इसे मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।